हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल WsBccClasses क्लासेस। डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए बहुत खुशखबरी का बात है। डियर फ्रेंड, टीयर फर्स्ट का रिजल्ट के बारे में कब तक आएगा उसके बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ, और इस बार का कट ऑफ किया जाएगा उसके बारे में बताने वाला हूँ, टीयर टू का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, वर्क क्या करने पड़ेंगे, सैलरी क्या होगा, इसके बारे में फुल डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगी इसका। तो देखिए डियर फ्रेंड, यहाँ पर रिजल्ट के बारे में यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA हैज़ कंडक्टेड रिटन एग्जाम फॉर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव 2018 रिक्वायरमेंट। रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड हियर अबाउट IB इंटेलिजेंस ऑफिसर रिजल्ट 2019। MHA विल अनाउंस द रिजल्ट सून फॉर ACIO ग्रेड टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2019। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन MHA ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.nic.in और www.onlinesubmit.in। ये दोनों वेबसाइट पर आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा डियर फ्रेंड, और बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाला है डियर फ्रेंड। और साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा इस टीयर टू जो होगा उसके बारे में यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर डाल दिया जाएगा कौन कौन से कैंडिडेट का रिजल्ट बना है डियर फ्रेंड। अब रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगी, तो यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड क्या दिया हुआ है। डाउनलोड MHA IB सिक्योरिटी असिस्टेंट रिजल्ट 2019 अवेलेबल टिल मिड मई 2019, यानी कि मई 15 मई तक जो है उम्मीद है रिजल्ट आ जाएगी जो है IB का। अब यहां पर इसका कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं। चेक MHA IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019-20। इस बार का जो कट ऑफ होगा वो किस तरह का होगा इसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंडक्टेड अ रिटर्न एग्जाम ऑन 17-2-2019, यानी 17 फरवरी 2019 का इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। और साथ ही साथ नाउ ऑल द कैंडिडेट्स हु गेव देयर एग्जाम सक्सेसफुली आर सर्चिंग फॉर द एक्सपेक्ट टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल OBC SC ST कैंडिडेट्स कैन चेक द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फ्रॉम बिलो टेबल। मतलब यहाँ टेबल के द्वारा दर्शाया गया है डियर फ्रेंड कि इस तरह के एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ आपके जाने वाले हैं इस बार के एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करवाई गई थी 17-2-2019 को। तो आप देख लेते हैं कट ऑफ के, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, यहाँ कट ऑफ दिया हुआ है 100 मार्क्स का ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था। जनरल का UR का जो कट ऑफ जाएगा वो 76+ रहेगा डियर फ्रेंड, उससे नीचे नहीं रहेगी डियर फ्रेंड। OBC का जो कट ऑफ जाएगा वो 71 जाएगा, उससे नीचे नहीं रहेगी, उससे प्लस में ही रहेगी डियर फ्रेंड। और यहाँ पर SC का जो कट ऑफ जाएगा वो आपका चल जाएगा डियर फ्रेंड 68+ रहेगा इसका, और ST का कट ऑफ जो हो जाएगा वो 65+ होगा डियर फ्रेंड। ये आपका जो है कट ऑफ हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं डियर फ्रेंड, जो है टीयर फर्स्ट का सिलेबस देखिए। तो टीयर फर्स्ट का जो सिलेबस था ये आपका 100 मार्क्स का था, 2 आवर्स का एग्ज़ाम था इसमें। तो यहाँ पर देखिए 4 पार्ट्स में जो है ये एग्ज़ाम का जो है सिलेबस दिया गया है, और सभी में जो है 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन थे, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन थे। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था डियर फ्रेंड। और यहाँ पर टीयर टू की बात कर लिया जाए डियर फ्रेंड, तो टीयर टू जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें 20 मार्क्स आपको लाने हैं डियर फ्रेंड। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का होगा जो 40 नंबर का पूछा जाएगा सेक्शन ए में। ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लॉजिकल लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर जो है 500 शब्दों में आपका जो है एक पैसेज लिखने को कहा जाएगा डियर फ्रेंड, लोकल लैंग्वेज के जो है इंग्लिश में आपको कहा जाएगा डियर फ्रेंड, जो 40 मार्क्स का होगा। अब 10 मार्क्स का यहाँ पर आपका स्पोकन एबिलिटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा डियर फ्रेंड। और ये टीयर 3 है इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, टोटल जो है 50 मार्क्स का होगा, और जिसमें क्वालिफाइंग आपको जो है 20 मार्क्स लाने होंगे, देन आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब इसका जो है आपका सिलेक्शन जो होगा वो यहाँ पर देखिए
मेरे क्वालिफाइंग इन द रिटर्न टेस्ट डज नॉट गिव गारंटी ऑफ फाइनल सिलेक्शन। आप रिटर्न टेस्ट दे लेते हो, इससे आपकी फुल गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डियर फ्रेंड, कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अप फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टेस्ट एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, जो है उनको जो है देना होगा। डियर फ्रेंड, क्या चीज़? तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगी। देन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। मार्क्स ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू, आपका रिटर्न टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं, दोनों मार्क्स को मर्ज करके आपका जो है डियर फ्रेंड, आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डियर फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा डियर फ्रेंड सैलरी के बारे में। डियर फ्रेंड, तो आते हैं सैलरी के बारे में देखते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड, यहाँ पर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सैलरी 2018 एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2018 फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द सैलरी ऑफ एन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर प्रत्येक आईबी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए जो है यहाँ पर सैलरी का विवरण दिया गया है। तो इस विवरण को थोड़ा सा पढ़ते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं क्या है। तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सैलरी कम्स अंडर द पे स्केल ब्रैकेट of RS 5200 and 20200। आपका जो सैलरी होगा डियर फ्रेंड 5200 से जो है 20200 के बीच होगा डियर फ्रेंड सैलरी आपका। द सैलरी ऑल्सो इंक्लूड्स एन एडिशनल ग्रेड पे ऑफ RS 2000। यहाँ पर जो है आपका ग्रेड पे जो है डियर फ्रेंड, सैलरी का ग्रेड पे जो है वो है 2000। अब यहाँ पर देखिए, इन एडिशंस टू अबव वेरियस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मंथली सैलरी ऑफ एन आई बी असिस्टेंट्स। और यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अलाउंस किया गया है सभी के लिए जो है, प्रत्येक मंथ का ये सैलरी बताया गया और ये आपका ग्रेड पे है डियर फ्रेंड। अब हम लोग बात कर रहे थे आखिर इसमें वर्क क्या करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्क के बारे में, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। वर्क प्रोफाइल ऑफ आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट जनरल सेंट्रल ग्रुप सी। तो ये ग्रुप सी पोस्ट है डियर फ्रेंड, ग्रुप सी पोस्ट है। इट इज एन नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। ये जो है नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा डियर फ्रेंड। इट्स मोर और लेस इक्विवेलेंट टू अ कॉन्स्टेबल इन द पुलिस डिपार्टमेंट। ये जो है सेम कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, जिस तरह जो है पुलिस फोर्स में कॉन्स्टेबल होते हैं डिफरेंट, उसी तरह के जो होते हैं डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में कॉन्स्टेबल जो होते हैं जस्ट लाइक वैसा ही ये पोस्ट है डिफरेंट। वर्क प्रोफाइल इंक्लूड्स, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्क प्रोफाइल किस टाइप के होंगे। तो फर्स्ट में है द मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्ड। तो आपको विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्ड को मेंटेन करने होंगे। फर्स्ट में ये वर्क आपको मिल सकता है डियर फ्रेंड। इन्वॉल्व्स फील्ड वर्क्स, आपको फील्ड वर्क में भी भेजा जा सकता है डियर फ्रेंड। कम्युनिकेशन ड्यूटी, आपको कम्युनिकेशन वाइज ड्यूटी भी दिया जा सकता है डियर फ्रेंड करने को। थर्ड के बाद आपका फोर्थ में असिस्ट द ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एज एंड व्हेन नीडेड। यहाँ पर जो है आपको असिस्ट किया जाएगा ACIO के द्वारा, जब उसकी ज़रूरत होगी डियर फ्रेंड, उनको लगेगा कि ज़रूरत है तो देन उसको असिस्ट किया जाएगा, आपको असिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, आपको जो है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो है विजिटिंग डिफरेंट ऑफिसेज टू डिलीवर कम्युनिकेशंस, आपको डिलीवर करने का भी काम कहा जा सकता है, विभिन्न ऑफिसों में डियर फ्रेंड विजिटिंग करवाया जा सकता है। फॉर द फीमेल्स हु आर कम्फर्टेबल विथ फील्ड वर्क्स दे कैन गो फॉर इट। अगर कम्फर्टेबल हैं वोमेंस, यानी कि फीमेल पर्सन अगर कंफर्टेबल है डियर फ्रेंड, तो उनको जो है यहाँ पर जो है सारे के यहाँ पर कह सकते हैं, उनसे भी ये काम कराया जा सकता है कम्युनिकेशंस वाला डियर फ्रेंड। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमोशन के बारे में लास्ट टाइम डियर फ्रेंड। तो ये देखिए डियर फ्रेंड, प्रमोशंस ऑफ आईबी इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO जो है सेकेंड से ACIO
ओ सेकेंड से आपका प्रमोशन होगा तो आप फर्स्ट में चले जाओगे, ACIO फर्स्ट ऑफिसर बन जाओगे। देन फर्स्ट से आपका प्रमोशन होगा तो DC जो है DCIO बनोगे डियर फ्रेंड, तो डायरेक्टर कह सकते हैं डियर फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ACIO आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद द ACIO इन इनिशियली स्टार्ट वर्किंग, उनका वर्किंग जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। दे आर पोस्टेड इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर पीसफुल, आपको डिस्ट्रिक्ट इंडिया के डिस्ट्रिक्ट वाइज में यहाँ पर उनको जो है पोस्टेड किया जा सकता है डियर फ्रेंड इंडिया में डियर फ्रेंड। हाउ इवर दिस इनिशियल पोस्टिंग विल बी एज ACIO सेकेंड, तो यहाँ पर जो है ACIO सेकेंड में जो है इनिशियल में आपका पोस्टिंग होगा डियर फ्रेंड। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद आपका जो है 300 पीपल आउट ऑफ द इनिशियल, जैसे तीन आउट हो जाएगा 300 से ज़्यादा पीपल्स जो है आप अंडर कवर करने लगोगे डियर फ्रेंड, मतलब उसके 300 से ज़्यादा पीपल्स को आप इनिशियल करने लगोगे। और यहाँ पर 750 गेट प्रमोट टू ACIO फर्स्ट, तो देन आपका यहाँ से प्रमोट हो जाएगा ACIO फर्स्ट में। अब यहाँ पर देखिए प्रमोशंस के बारे में जो बताया गया है, तो ACIO सेकेंड टू ACIO फर्स्ट, ये जो होगा 3 से 4 साल आपके वर्क करने के बाद होंगे, जो कि 28 साल के एज में आपको ये प्रमोशन मिलेगा डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है आपको ACIO फर्स्ट टू DCIO के रूप में आपका यहाँ पर हो जाएगा 28 से 10 साल के बाद आपको वर्क करने के बाद, ये जो है 38 से 40 साल के बीच में आपका ये प्रमोशन मिलेगा डियर फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।